हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का ऑनलाइन एग्जामिनेशन चल रहा है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छा जा रहा होगा। लेकिन मैं ये भी समझ सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एमसीक्यू ऑनलाइन एग्जामिनेशन पहली बार फेस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको एमसीक्यू क्वेश्चन को ऑनलाइन सॉल्व करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा होगा। बहुत सारे जो बच्चे हैं, जो 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए ये पहला एक्सपीरियंस होगा कि वो एमसीक्यू एग्जाम ऑनलाइन दे रहे हैं। इवन क्लास 9 और 10th के स्टूडेंट को भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। और आज के इस लेक्चर में मैं आप लोग को यही समझाना चाहता हूँ कि हम लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले किन-किन पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए, जो कि हम लोगों को अच्छा स्कोर करने में मदद कर सकता है और हम लोग किसी भी क्वेश्चन के आंसर को गलत मार्क करने से बच सकते हैं। तो आइए इस पॉइंट को समझते हैं कि हम लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या-क्या स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन, इफ यू आर श्योर देन विदाउट वेस्टिंग टाइम मार्क द करेक्ट आंसर। अगर आप किसी क्वेश्चन के आंसर पर बहुत ही ज्यादा श्योर है, कॉन्फिडेंस है कि आप जो आंसर मार्क करने वाले हैं वो सही है, तो आप उसको मार्क करिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए। दूसरा ट्रिक, कभी कभी ऐसा होता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन में चारों ऑप्शन एक जैसे ही दिखाई देते हैं और नॉर्मली ऐसा सभी के साथ होता है। ऐसे सिचुएशन में आपको एक ट्रिक अपनाना होगा जिसे हम लोग 50-50 और एलिमिनेटिंग मेथड कहते हैं। 50-50 में करना यह है कि अगर आप सही आंसर को मार्क करने में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आपको दो गलत ऑप्शन को चूज करना होगा जो आपके हिसाब से पूरी तरह से गलत है और वो आंसर नहीं हो सकता है। ऐसे दो ऑप्शन को एक्सक्लूड कर देना। उसके बाद आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन बच जाते हैं जिसमें से आपको एक करेक्ट आंसर चूज करना है और एक गलत होगा। तो अगर आपको एलिमिनेट दो ऑप्शन को एलिमिनेट करने के बाद सही आंसर का पता चल जाए तो आप सही आंसर करेंगे, नहीं तो फिर उस दोनों ऑप्शन में गलत आंसर कौन सा है उस गलत आंसर को एलिमिनेट कर देंगे और लास्ट में जो ऑप्शन बच जाएगा वो आपके हिसाब से सही होगा और आप उसी को टिक करेंगे। तो ये मेथड होता है क्या, 50-50 मेथड। और 50-50 मेथड के बाद हम लोग एलिमिनेट मेथड लगाते हैं। 50-50 में हम लोग दो गलत ऑप्शन को हटा देते हैं और एलिमिनेट मेथड में जब लास्ट में दो ऑप्शन बचता है उसमें से एक सही होगा एक गलत होगा, गलत ऑप्शन आपके हिसाब से जो होगा उसको हटा देंगे, जो बच गया लास्ट में वो करेक्ट आंसर होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूज योर टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ऐसा ऑब्जर्व किया जा रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट 2 से 3 मिनट में ही क्वेश्चन को टिक करके आगे बढ़ जा रहे हैं और आंसर गलत हो जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोगों को एग्जाम के लिए 30 मिनट्स का टाइम दिया गया है, आप अपने 30 मिनट्स टाइम को पूरी तरह से यूटिलाइज करेंगे। उससे पहले आप सबमिट बिल्कुल भी मत कीजिए, आप रीचेक कीजिए कि आपने जो टिक किया है वो सही है या गलत है। अगर आप गलत मार्क कर दिए हैं बाई मिस्टेक, आप उसको करेक्ट करिए। लेकिन आप अपने पूरे टाइम को पेशेंस रखकर यूज करिए, 2 से 3 मिनट में ऐसे ही तुक्का लगाकर आंसर बिल्कुल भी मत कीजिए।
अब हम लोग एक और लास्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट डील करेंगे। स्टूडेंट आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे कि जब एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो कभी कभी क्वेश्चन के ऑप्शन में होता है बोथ ए एंड बी, इट मींस वन एंड टू, या तो फिर एक ऑप्शन होता है ऑल ऑफ दीज, या तो फिर ऑप्शन होता है नन ऑफ दीज। स्टूडेंट ये सारे ऑप्शन ऐसे ही नहीं होते हैं, ये बहुत ही मीनिंगफुल होते हैं। कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में दो ऐसे पॉइंट्स दिए होते हैं जो करेक्ट होते हैं और लास्ट में लिखा हुआ रहता है बोथ ऑफ दीज। तो स्टूडेंट आप मार्क तो सही करते हैं लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि उसमें दो ऑप्शन ऐसे थे जो सही थे लेकिन आपने सिर्फ एक सही ऑप्शन चूज किया जिसकी वजह से आपका आंसर गलत हो गया। ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलता है बोथ ऑफ दीज वन एंड टू, तो आपको इस तरीके से मार्क आउट करना होगा बोथ ऑफ दीज में, तो ही आपका आंसर सही होगा, ऐसे सही नहीं होगा ना। दूसरा प्रॉब्लम है ऑल ऑफ दीज। कभी कभी एमसीक्यू टाइप में तीन ऑप्शन होते हैं और तीनों ऑप्शन सही होते हैं, तो फिर आपको फोर्थ ऑप्शन मिलता है ऑल ऑफ दीज, तो आपको ऑल ऑफ दीज में मार्क करना होता है। अगर किसी किसी ऑप्शन में सारे के सारे आंसर गलत दिए हुए हैं, इट मींस करेक्ट आंसर ऑप्शन में है ही नहीं, तो आपको लास्ट ऑप्शन मिलता है नन ऑफ दीज। उस वक्त अगर आपको ये लगे कि इसका सारा का सारा ऑप्शन गलत है तो आप नन ऑफ दीज में टिक करेंगे। जरूरी नहीं है कि अगर ऑप्शन दिया है तो वो तीनों का तीनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही ही होगा, हो सकता है कि उस तीनों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन सही ना हो, तो आपको नन ऑफ दीज पर मार्क करना होगा। अगर सारे ऑप्शन सही है तो वहाँ ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन मिलता है, आप ऑल ऑफ दीज पे टिक करेंगे। अगर दो ऑप्शन दिए हैं दोनों ऑप्शन सही है तो फिर आपको बोथ ऑफ दीज का ऑप्शन मिलता है, या तो फिर बोथ वन एंड टू का ऑप्शन मिलता है, तो आप बोथ वन एंड टू पे मार्क करेंगे। आपका आंसर सही रहता है लेकिन फिर भी दो ऑप्शन सही होने की वजह से आपके आंसर को सही नहीं माना जाता है, ये प्रॉब्लम आते हैं स्टूडेंट्स को, तो ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। उम्मीद करते हैं आपके इस वीडियो से आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्प होने वाला है, तो आप ये वीडियो शेयर भी कीजिए अदर स्टूडेंट्स को ताकि अदर स्टूडेंट्स भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा पाए। तो ओके स्टूडेंट बस आज के इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।